हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने टीसीएस में ज्वाइनिंग ली है तो जो सैलरी है वो कब से आना स्टार्ट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में, और कौन सी डेट को एग्जैक्ट सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना जरूर दोस्तों, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको जो टीसीएस में ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है तो ज्वाइनिंग लेटर में एक डेट मेंशन होती है, ज्वाइनिंग डेट। तो वहां से आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड है टीसीएस में क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट डे में तो आपका क्या होगा, वर्चुअल ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल वे में हो रही है ट्रेनिंग कोविड के कारण। तो फर्स्ट डे में आपका एचआर पॉलिसीज होती है, जो टीसीएस की जो पॉलिसीज है, आपका जो सैलरी अकाउंट है वो कैसे खुलवाना है, ये सारी चीजों पे आपको पूरे दिन की एक ओरिएंटेशन देते हैं और सारी चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद से आपकी क्या होगी, नेक्स्ट कुछ दिनों बाद आपके जो ट्रेनिंग है आईएलपी है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रेनिंग, यहाँ पे इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, वो आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आईएलपी का ड्यूरेशन होगा आपका, वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। मान लिया आपने बीसीए कर रखी है या फिर बीटेक कर रखा है, तो बीसीए बीटेक के लिए जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या होता है, अलग अलग होता है। बीटेक में भी नींजा प्रोफाइल होता है और एक क्या होता है, डिजिटल का प्रोफाइल होता है। और अगर आपने स्मार्ट हायरिंग से बीसीए बीबॉक या फिर बीएससी से आपने ज्वाइन करा है तो ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपने एक्सप्लोर का एग्जाम दे रखा है ट्रेनिंग से पहले, तो आपका जो आईएलपी का ड्यूरेशन है फिर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सप्लोर में अगर आपने 55 प्लस से ज्यादा स्कोर कर रखा है तो आईएलपी का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम कंसीडर करें तो आईएलपी का ड्यूरेशन कितने दिन का जाता है, 7 डेज का, 15 डेज का और 21 डेज का। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आईएलपी का ड्यूरेशन कितने का है, तो आपका जो ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग डेट में आप पहले दिन जाओगे, ओरिएंटेशन लोगे, तो उसके कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वर्चुअल ऑनबोर्डिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है आईएलपी का, वो कितने दिन का है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपका आईएलपी का कितने दिन का है, वो आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको उससे पहले एक्सप्लोर का मेल आता है कि स्कोर करके आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो मैं तो आपको बोलूंगा आपको वो करना चाहिए, जिससे आपका क्या होगा, आईएलपी का ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा और आपको इंसेंटिव मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हम बात करते हैं दूसरी बात की, बच्चे बोलते हैं बहुत सारे कि ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या फिर नहीं मिल रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो ट्रेनिंग में है वो सैलरी क्या होती है, मिलती है आपको। टीसीएस में जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है उसमें एक ज्वाइनिंग डेट मेंशन होती है। तो जिस दिन आपका ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, मान लिया लेट्स से कि 15 जुलाई से आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट है, तो 15 जुलाई से आपकी जो सैलरी है वो क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्रेडिट होने का मतलब बैंक में नहीं, काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो सैलरी एग्जैक्टली आपके बैंक अकाउंट में कब आती है, कौन से डे को आती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मान लिया आपने 16 जुलाई से टीसीएस को ज्वाइन करा है, तो 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका जुलाई में सैलरी नहीं आएगी। ओके दोस्तों, लेकिन अगर हमने मान लिया आपने 1 जुलाई को ज्वाइन करा होता, ठीक है, 1 जुलाई को ज्वाइन करा होता, 31 जुलाई को पूरा आपका एक महीना हो जाता, तो टीसीएस में जो सैलरी क्रेडिट होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या कैसे क्रेडिट होती है। जो लास्ट वर्किंग डे होता है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको वर्क करना पड़ता है, सैटरडे संडे आपका क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो जो लास्ट वर्किंग डे है, जैसे 31 जुलाई को अगर आपका फ्राइडे है, तो आपको उसी दिन सैलरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी सुबह। ओके दोस्तों, लेकिन अगर मान लिया 31 को आपका क्या है, सैटरडे है, तो 30 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, तो आपकी सैलरी 30 को ही क्रेडिट हो जाएगी। समझ रहे हो ना आप यहाँ पे बात। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 16 जुलाई से करा है ज्वाइन, तो 16 जुलाई से 31 जुलाई आपका क्या होगा, एक महीना तो होएगा नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, वो 16 जुलाई से 31 जुलाई की सैलरी आपकी, फिर आप क्या करोगे, अगस्त में जाओगे, तो अगस्त 1 से स्टार्ट होगा आपका, और अगस्त कितना होगा, 30 तारीख लास्ट डेट है मान लिया, तो 30 तारीख लास्ट डेट को आपका क्या है, यहाँ पे फ्राइडे पड़ रहा है मान लिया, ठीक है, 30 अगस्त को क्या मान लिया हमने, फ्राइडे पड़ लिया, तो फ्राइडे को ही आपकी क्या होगी, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी, अगस्त की भी होगी और जुलाई में जो 16 जुलाई से 31 जुलाई की थी, ये दोनों मिला के आपकी अगस्त में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो जो लास्ट दिन पड़ता है 30 का या 31 का, उस दिन अगर आपका सैटरडे संडे है, तो उससे एक दिन पहले आपकी जो सैलरी है वो क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है वर्किंग डे में क्रेडिट होगी सैलरी आपकी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपकी जो सैलरी है कौन से डे को क्रेडिट होती है, सुबह ही आ जाती है आपकी सैलरी। ओके दोस्तों, और बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि जो ट्रेनिंग में है वो सैलरी कम मिलती है या फिर प्रोजेक्ट में जब जाते हैं तो एग्जैक्ट सैलरी मिलती है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो ट्रेनिंग में है आपकी सैलरी और जो प्रोजेक्ट एलोकेशन के बाद है, तो लगभग सैलरी बराबर ही मिलती है। बस एक फायदा होता है कि जो आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो अलाउंस है वो एक्स्ट्रा जुड़ के आ जाता है जब आप प्रोजेक्ट एलोकेशन में हो जाते हो।
तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपके फिर भी डाउट है कोई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। और दोस्तों आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हो, मेरा यूजर नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो, मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।